Hello and Assalamu Alaikum. This is Mohammed Abir, your technical analyst at KSB Securities. The sector in review today, 9th of October, Friday, is refinery. हमें पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में देर इज टेंशन और ये कि क्रूड और ब्रेंट ऑयल भी दे वर ऑन द डाउन साइड, दे वर मूविंग साउथ. बट फ्रॉम वेनेसडे ऑनवर्ड्स बोथ क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट ऑयल हैव स्टार्टेड रिकवरी. और हम जैसे कि अभी देख सकते हैं कि हमारी PSX में भी, जो KC 100 इंडेक्स में जो रिफाइनरी के आइटम्स हैं, टू मेन आइटम जो कि रेगुलरली मार्केट में ट्रेड होते हैं, द फर्स्ट इज़ PRL. एज यू कैन सी, इसके टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात कर लें तो हम तीनों चीज़ें देखेंगे. पहले इसका नॉर्मल जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स हैं, देन दी MACD एंड देन दी RSI इंडेक्स. करेंटली PRL की अगर हम बात करें तो PRL इज ट्रेडिंग अराउंड 18.28 रुपीज़ एंड इट्स ऑन दी नेगेटिव साइड. वॉल्यूम की अगर बात कर लें तो आज वॉल्यूम इतना कुछ खास इसके अंदर रिफाइनरी में हमें नज़र नहीं आता. 2.05% के हिसाब से इसके अंदर वॉल्यूम है आज. अब PRL के इस वक्त करंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स क्या हैं? सपोर्ट लेवल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 15.51 रुपीज़ का इसका सपोर्ट लेवल है, जहाँ से इट हैज़ बाउंस बैक फ्रॉम 6th of October. करंट मार्केट की इसकी जो सिचुएशन है, शॉर्ट टर्म जो टारगेट प्राइस है इसका, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 18.34, करंटली मार्केट ने वो टच किया और टच करने के बाद जो है मार्केट इसके अंदर प्रॉफिटिंग की जा रही है और इसको जो है सेल ऑफ किया जा रहा है मार्केट में. नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स 0.18 बाउंस बैक फ्रॉम अराउंड 18 रुपीज़ 17.50 रुपीज़. अगर 18 रुपीज़ 18.34 रुपीज़ जो इसका टारगेट प्राइस और रेजिस्टेंस नंबर वन रेजिस्टेंस है इसकी, उसको अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद द सेकेंड रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड टारगेट प्राइस वुड बी 20.77 रुपीज़. ये दो की लेवल्स हैं. फिलहाल जो मार्केट का इसका मोमेंटम है वो थोड़ा सा वीक है रिफाइनरी का. रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से द मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लो एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेक्टर्स. मार्केट जब इसकी 20.77 रुपीज़ को अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो इन दो टारगेट पॉइंट्स के ऊपर अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो अगेन उसका जो ईयरली हाई रेजिस्टेंस जो इसने बनाया था इस साल की जो KSE 100 इंडेक्स की वॉकिंग में, वो 23.82 रुपीज़ से लेके अराउंड 25 रुपीज़ के इसने ईयरली हाई अपना बनाया. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी इस करंट सिनेरियो में एक्यूमुलेशन करने के बाद यू कैन होल्ड दिस स्टॉक फॉर दी 24 to 25 रुपीज़ टारगेट प्राइस. कोई बाय सजेशन नहीं है, सेल सजेशन नहीं है. दिस एनालिसिस इज ओनली फॉर दी एजुकेशनल पर्पज. MACD की बात कर लें तो MACD अगेन 4 आवर्स के चार्ट में इट इज़ स्टिल शोइंग एन अपवर्ड मोमेंटम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप हिस्टोग्राम देख सकते हैं, अभी भी वीक होना शुरू नहीं हुआ, देर आर स्टिल सम स्पेस लेफ्ट इन इट. इसके इंडेक्स की बात कर लें, इज अ इंडेक्स ओवरसोल्ड ओवरबॉट, तो अभी 50% रेशियो के नीचे इसके जो RSI इंडेक्स है वो कैलकुलेशन शो करें, विच मीन्स कि देर इज स्पेस लेफ्ट इन दिस इंडेक्स राइट नाउ, कि आप अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसको ऊपर ले जा सकते हैं. बट अगेन प्रॉफिटिंग सिनेरियोज देखने पड़ेंगे. अगर ये इस प्राइस लेवल को रिजिस्ट सस्टेन नहीं करता और सस्टेन ना करने की वजह से इफ़ इट डज कम डाउन, तो ऑब्वियसली इसकी एडजस्टमेंट जो है RSI इंडेक्स की वो 46% से दोबारा नीचे चली जाएगी. देन अगर मोमेंटम दोबारा ऊपर का बनता है तो वहाँ पर आप ज़रूर एक्यूमुलेशन करके इसकी अगेन 18 रुपीज़ की टारगेट एंड 20 रुपीज़ के टारगेट प्राइस अपने पास रख सकते हैं. दी सेकेंड आइटम, द सेकेंड स्क्रिप्ट ऑफ द रिफाइनरी सेक्टर दैट वील बी डिस्कसिंग अबाउट इस बाइको पेट्रोलियम. बाइको अगेन PRL के साथ साथ बाइको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखता है इन्वेस्टर्स का, और करेंटली इट्स ट्रेडिंग अराउंड 10.03 रुपीज़ विद अ स्लाइट चेंज ऑफ 0.60%. वॉल्यूम अगेन रिलेटिवली सेम एज ऑफ बाइक PRL. और टेक्निकल की अगर बात कर लें तो टेक्निकल में भी इस वक्त इसकी सेम मोमेंटम है जो कि PRL में. इट इज़ क्लोजिंग एट द फर्स्ट टारगेट प्राइस ऑफ 10.20 रुपीज़. आज इसने मार्केट का तकरीबन इसने हाई बनाया. हाई बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग है वो करीब करीब 10 रुपीज़ के पास हमें नज़र आ रही है. सपोर्ट लेवल ऑब्वियसली 8.93 से इसने जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा में भी हम देख सकते हैं, बैक इन सितंबर में जो इसने सपोर्ट लेवल क्रिएट किया वहाँ से इसने बाउंस बैक किया. नाउ इट्स क्लोजिंग एट द फर्स्ट टारगेट प्राइस लेवल ऑफ 9.20 रुपीज़. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं. द सेकंड टारगेट प्राइस दैट शॉर्ट टर्म ट्रेडर शुड बी लुकिंग फॉर इज 11 रुपीज़. अगर आपने 8 रुपये पे बाई किया है देन यू कैन श्योरली गेट गुड प्रॉफिट इन रिटर्न
एट दीज टू लेवल्स. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अलॉन्ग विद द मार्केट मोमेंटम, मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अप ट्रेंड डायरेक्शन में, देन यू कैन होल्ड इट फॉर द रिटर्न एट अराउंड 12 to 12.50 रुपीज मार्क. MACD की बात कर लें तो MACD 4 आवर्स में अगेन इट इज़ शोइंग पॉजिटिव डायरेक्शन और हिस्टोग्राम भी प्रॉपरली बनते हुए हमें नज़र आ रहा है. और जब भी हिस्टोग्राम प्रॉपर बनाए तो देख सकते हैं हम कि स्टॉक जो है वो मार्केट में काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में रहता है. इंडेक्स की बात कर लें तो इंडेक्स राइट नाउ इट्स बिलो 50%, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 50% एंड 51 अबव हमें नज़र आ रहा है, बट इट वॉज डाउन फ्रॉम 50% बैरियर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द मॉर्निंग. इसके अंदर भी इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखा जाए तो देयर आर स्टिल स्पेस लेफ्ट, और इस इंडेक्स अभी भी काफ़ी अच्छा एडजस्ट हुआ है एंड इट इज़ इंडिकेटिंग कि इसके अंदर और भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं. वंस इट गोज़ अबव द 70% मार्क देन देयर विल बी प्रॉफिट टेकिंग इन ह्यूज सिनेरियो. सो दीज वर द टू स्क्रिप्ट्स दैट वी शुड बी एनालाइजिंग राइट नाउ. ऑब्वियसली देयर आर टू मोर स्क्रिप्ट्स इन रिफाइनरी, बट मार्केट कैप, मार्केट अगर हीट मैप इसका देखें तो PRL एंड बाइको आर करेंटली मोर बीइंग करेंटली मोर ट्रेडेड इन द मार्केट एज कम्पेयर टू ATRL एंड NRL, बिकॉज वी नो कि ATRL एंड NRL जो नेशनल रिफाइनरी है और अटक रिफाइनरी है दे आर वैल्यूड अबव 100 rupees. सो उसके अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो रिलेटिवली एज कम्पेयर टू दीज टू जो है इन दोनों से भी काफ़ी कम आता है. जैसे कि आप देख सकते हैं अराउंड 9,23,000 इन ATRL एंड 5,15,000 इन NRL. तो इनके भी ऑब्वियसली ड्यू टू द स्लो मोमेंटम इन द रिफाइनरी सेक्टर इनके भी जो प्राइजेस हैं वो अभी नेगेटिव साइड में हैं. सो दिस वॉज द सेक्टर इन रिव्यू रिफाइनरी. होप यू लाइक इट एंड मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेक्टर इन रिव्यू के साथ. दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.